जब कभी अचानक मीठा खाने का दिल करे और टाइम भी कम हो, ऐसे में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट्स तो कम यूज़ होंगे, टाइम भी कम लगेगा। आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हम किसी भी ट्रे को या थाली को ग्रीस कर लेंगे ऑयल लगाकर। अब किसी खुले बर्तन में 2 चम्मच घी लेंगे। घी के गर्म होते ही हम इसमें डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे। 250 ग्राम इसका वज़न है। हल्की आंच पे हम इसको रोस्ट करेंगे। हमें इसका कलर नहीं चेंज करना है, सिर्फ हल्की हल्की खुशबू आए और इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, हमें ऐसा ही इसे रोस्ट करना है। देखिए इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ, इसमें से हल्की हल्की खुशबू आ रही है। बस इस पॉइंट पर मैं चूल्हा बंद करके इसे किसी खुले बर्तन में निकाल दूँगी और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अगर हम इसे उसी कढ़ाई में छोड़ देंगे तो ये नीचे से जल सकता है। जैसे ही हमारा कोकोनट ठंडा हो जाएगा, हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1/2 कप मिल्क पाउडर लिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड रख देंगे। अब हम खोपरा पाक के लिए चाशनी तैयार कर लेंगे। चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर शुगर जो है वो 250 ग्राम ही ली है। जितना खोपरा है उतनी ही शुगर ले रही हूँ, क्योंकि हमने मिल्क पाउडर भी ऐड किया है। मिल्क पाउडर भी मीठा होता है। नॉर्मली लोग कोकोनट के वेट से ज़्यादा शुगर लेते हैं। शुगर के ऐड करते ही हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। हमें इतना ही पानी चाहिए कि ये अच्छी तरह से इसमें डूब जाए। मुसलसल चलाते हुए हम इसमें 2 तार की चाशनी तैयार करेंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे ही बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे पिंक कलर में बना रही हूँ, इसलिए रेड फूड कलर के कुछ ड्रॉप्स इसमें ऐड करती हूँ। देखिए ये 1 तार की चाशनी तैयार हो गई है। इसे मैं हाथ में लेकर आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसमें से 1 तार सा बन रहा है। 2 तार की चाशनी को नापने का तरीका ये है, जब हमारी 1 तार की चाशनी बन जाएगी तो हम इसके थोड़ी देर के बाद 2 मिनट और इसे पकाएंगे। छोटी सी प्याली के अंदर थोड़ा सा पानी लेंगे और इसका शीरा टपकाएंगे और हम इसको हिलाकर देखेंगे कि ये शीरा इसमें से मूव हो रहा है या उसी जगह पर है। अगर शीरा उसी जगह पर ठहर जाता है, इसका मतलब है कि हमारी 2 तार की चाशनी तैयार हो गई है। आप इसे किसी भी फ्लेवर में बना सकते हैं। मैं यहाँ पर रोज़ एसेंस ले रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है। इसका अपना कोकोनट का अपना फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। चाशनी भी तैयार हो गई है। अब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं। ये काम थोड़ा तेज़ी से करना है, क्योंकि चाशनी ठंडी होते ही जम जाएगी। इस वक्त चूल्हे की फ्लेम ऑफ है। अगर आपको आपस में मिक्स करने में मुश्किल पेश आ रही है, तो आप 1 या 2 चम्मच यहाँ पर दूध ऐड कर सकते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला, और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। देखें ये अच्छी तरह से मिक्स भी हो गया है और इसने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है। बस यही वक्त है, इसी पॉइंट पर हम इसे अपनी ट्रे में निकाल कर जमा देंगे। मिक्स करने और जमाने वाले प्रोसेस को हमें जल्दी जल्दी करना है। किसी भी अच्छे स्पून से या कटोरी से आप इसे फ्लैट कर दीजिए ऊपर से अच्छी तरह से, और कट के मार्क लगा दीजिए, क्योंकि अगर ये 1 दफ़ा जम गया तो कट के मार्क लगाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए किस तरह मक्खन की तरह से इसमें छुरी चल रही है। कट के मार्क लगाकर मैंने इसे 1/2 घंटे के लिए रख दिया था। 1/2 घंटे बाद मैं इसे अलग कर रही हूँ। देखिए लग रहा है ना, ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल का खोपरा पाक। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है और चैनल से आप कुछ नया सीख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा के लिए मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके शहर की मशहूर मिठाई कौन सी है और आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से देखिए कितनी सॉफ्ट है ये। 1 दफ़ा मेरी रेसिपी से इसको ट्राई करें, लेकिन यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। जितनी ये देखने में शानदार लग रही है, खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है। मिलती हूँ आपसे किसी ऐसी ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अपना और अपने आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगेबान।